सो हेलो दोस्तों, आज के एक नई फ्रेश वीडियो में स्वागत है। हम पहुंचे गए हैं मोतीपुर के महना रोड में स्थित है सुंदरम एग्रो एजेंसी, और हमारे यहाँ आज स्वराज ट्रैक्टर का डिलीवरी होने वाला है। सो आज हम ट्रैक्टर के बारे में हम किसानों से ओपिनियन लेंगे कि ये ट्रैक्टर आप क्यों लिए हैं और किस उद्देश्य से लिए हैं, इसी के मसले पर सबसे पहले इस ट्रैक्टर को हम दिखलाएंगे। ये कौन सा ट्रैक्टर है, स्वराज का मॉडल जो कि स्वराज का 735 XT है, और स्वराज में सबसे प्रोमो गाड़ी ये आता है, ये स्वराज कंपनी इसको बनाती है। सबसे पहले इसके साथ साथ क्या है मैं ये दिखाता हूँ, आप पीछे आएंगे जरा इसके दिखाएंगे कि क्या क्या इसके साथ में है। तो इसको कल्टीवेटर मिल जाता है जो कि बेस्ट फील्ड कंपनी का है, हरियाणा में बना हुआ ये कल्टीवेटर है। सो हम ट्रैक्टर के अब आगे चलते हैं और इसकी विस्तृत से जानेंगे किसान भाइयों से कि मार्केट में बहुत सारा ट्रैक्टर है बट ये स्वराज 735 XT चुनाव क्यों किए। सबसे पहले आप ट्रैक्टर के बारे में जान ले तो ये अपने सेगमेंट में 40 HP में ट्रैक्टर आता है जो कि 2761 CC के इंजन है, और सबसे ज़्यादा आपको 189 mm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसकी हम लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो आपको इसमें मिलता है 1500 kg का लिफ्ट कैपेसिटी। सो किसान भाई से जानेंगे, सबसे पहले मेरे तरफ से आपको नमस्कार। आप हमें बताएं कि मार्केट में बहुत सारा ट्रैक्टर है लेकिन आप स्वराज ही क्यों लिए, इसका आपका क्या चीज़ अच्छा लगा कि आपके दिल में स्वराज बसा यह ट्रैक्टर? इधर आ जाइए। हर चीज़ में अच्छा गाड़ी है, हर चीज़ में बोले तो जैसे कि अगर रोटावेटर चलता है उसमें कैसा परफॉर्म करता है, ट्रोली में कैसा परफॉर्म करता है, इसके बारे में जरा बताएं हमें। ट्रोली भी अच्छा है इसका, रोटिंग भी अच्छा करता है। अच्छा, कल्टीवेटर में भी अच्छा है, टेलिंग में अच्छा है। अच्छा, पहले आप ट्रैक्टर कोई और रख चुके थे या पहला बार आप ट्रैक्टर लिए हैं? ट्रैक्टर मेरे पास पहले भी था जी, महिंद्रा का रखे थे 475। जी जी, क्योंकि हमने बेच दिया है उसे जी, और हमने अगल बगल के लोग रखे हैं उनको देखे बहुत अच्छा काम करता है जी, इसलिए हमने इसको चूज किया है। पहले आप इस ट्रैक्टर को पहले चला कर कभी देखे हैं या आप फर्स्ट बार आप इसको चलाएंगे इस ट्रैक्टर को? मेरे पास तो नहीं था लेकिन मेरे अगल बगल पास था, मैंने देखा है चला के। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था ये ट्रैक्टर? बहुत अच्छा परफॉर्म, रोटावेटर में इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया है। और ट्रिपिंग ट्रोलिंग में चलाने के लिए बहुत बढ़िया है, फास्ट काम है इसका, एकदम फास्ट काम है। सो आपने ये इसे कितना प्राइस पड़ा इसके बारे में जरा बता सकते हैं आप? ये हमें पड़ा है 6,75,000। सो किसान भाइयों, आप भी आप ओपिनियन जान लीजिए, ये ट्रैक्टर जो लिए हैं 6,75,000 ट्रैक्टर का पड़ा है जो कि 735 XT है। सो आप ये बताइए, इसको मुख्य उद्देश्य आप किस काम के लिए लिए हैं इस ट्रैक्टर को? कृषि योग के लिए लिए हैं, किसानी करेंगे इससे, खेती बाड़ी के लिए हैं जी, जी। हमारा टेलिंग होगा, रोटी होगा जी, कल्टीवेटर होगा जी। तो आपके साथ साथ कौन है जो मुख्य सदस्य, आपके घर के लोग? हमारे परिवार के सदस्य और लोग भी आए हुए हैं जी, कट करना था। सो इनके साथ विकास जी भी आए हैं जो आप ट्रैक्टर लिए हैं, आपको किस उद्देश्य से ट्रैक्टर लिए हैं, कैसा लग रहा है आपका से ये 735 XT? अच्छा लगा है, अच्छा लगा, अच्छा लगा। बाकी ट्रैक्टरों के मुकाबला में क्या इसमें डिफरेंट है? कुछ डिफरेंस तो है इस ट्रैक्टर में। क्या लगा है, जैसे आप ट्रैक्टर पहले कौन चलाए हैं और कैसे? महिंद्रा चलाए हुए। अच्छा, उससे उसमें क्या अच्छा ही लगा है कि आप ट्रैक्टर लिए हैं उससे? और इसमें तो मेंटेनेंस जो है ऐसे कम है जी, लो मेंटेनेंस फ्री ट्रैक्टर है ये जी, इसी के उदाहरण से लिए हैं। अच्छा, तो आज आपने ट्रैक्टर लिया, कल विश्वकर्मा पूजा है, इसके उपलक्ष्य में कल आप इसको पूजा करेंगे बड़ी धूमधाम से, कल पूजा, और फैमिली में खुशी का माहौल रहेगा, ठीक है। इसी उद्देश्य से आप आज एक दिन पहले ही लिए हैं। सो ये था 735 XT का फुल ऑन रिव्यू। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये स्वराज ट्रैक्टर की एजेंसी में अगर हम बात करें तो इस एजेंसी में सबसे ज़्यादा अगर बिकने वाला कोई अगर ट्रैक्टर है तो ये XT735 है जो कि इस मुजफ्फरपुर जिला के मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रोमो में नंबर वन ट्रैक्टर है, और बिकने में भी नंबर वन है। इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस पे आता है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय जवान, जय किसान।